नमस्कार, मैं हूं प्रिया, आपका स्वागत है बिहारी न्यूज में। अब तक विधायक सेगमेंट में आज हम बात करेंगे पूर्णिया विधानसभा क्षेत्र के बारे में। पूर्णिया विधानसभा सीट पर इस वर्ष हुए चुनाव में विजय कुमार खेमका और इंदु सिन्हा एक दूसरे के प्रतिपक्ष नेता थे। विजय कुमार खेमका भाजपा से थे, वहीं इंदु सिन्हा कांग्रेस की उम्मीदवार थी। इस चुनावी दंगल में विजय कुमार खेमका 51,088 वोट हासिल कर विधायक निर्वाचित हुए थे। इस सीट पर निकटतम प्रतिद्वंदी इंदु सिन्हा ने 58,569 वोट प्राप्त किए थे। इस विधानसभा क्षेत्र में लगातार 20 वर्षों से भाजपा का कब्जा रहा है। वर्ष 2011 के जनवरी माह में इस सीट पर विधानसभा उपचुनाव हुआ था। इस चुनाव में तीन पार्टियों के बीच कड़ा मुकाबला रहा था। कांग्रेस उम्मीदवार रामचरित्र यादव, माकपा प्रत्याशी अमित सरकार और भाजपा ने अपने विधायक राज किशोर केसरी के बाद उनकी पत्नी किरण केसरी को पूर्णिया सीट पर उतारा था। चुनावी दंगल में किरण केसरी विधायक चुनी गई थी। बिहार विधानसभा के चुनावी सालों को देखा जाए तो वर्ष 2010, वर्ष 2005 के अक्टूबर और फरवरी माह तक वर्ष 2000 के चुनाव में पूर्णिया सीट पर भाजपा और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर होती रही। भाजपा सदस्य राज किशोर केसरी और कांग्रेस उम्मीदवार रामचरित्र यादव में कड़ा मुकाबला रहा। इन तीनों वर्षों के चुनाव में भाजपा उम्मीदवार राज किशोर केसरी विधायक निर्वाचित हुए। वर्ष 1995 में हुए बिहार विधानसभा चुनाव की बात की जाए तो इस चुनावी वर्ष में सीपीआई पार्टी से अजीत सरकार विधायक हुए थे। उन्होंने अपने निकटतम प्रतिद्वंदी राजेश रंजन को शिकस्त दिया था। राजेश रंजन एसपी के टिकट के साथ इस चुनावी मैदान में खड़े हुए थे। वर्ष 1990 के बिहार विधानसभा चुनाव को देखा जाए तो इस वर्ष होने वाले चुनाव में भी माकपा उम्मीदवार अजीत सरकार विधायक हुए थे। उन्होंने इस सीट पर जीते अपने विपक्षी उम्मीदवार रविंद्र नारायण को शिकस्त देकर हासिल की थी। रविंद्र नारायण जेडी के टिकट से थे, इस सीट पर अपनी किस्मत आजमा रहे थे। विकास कार्यों की बात की जाए तो गांव में बिजली पहुंचाई गई है, सड़कों का भी निर्माण किया गया है, सरकारी दफ्तर बनवाए गए हैं, किसानों के हित में भी ठोस कदम उठाए गए हैं। किसानों की स्थिति भी पूर्व की अपेक्षा काफी सुधार हुआ है। महिला शिक्षा के क्षेत्र में भी सुधार किए गए हैं, स्कूल भवनों का निर्माण कराया गया है, शहर में बिजली की व्यवस्था दुरुस्त कराई गई है। क्षेत्र के चुनावी मुद्दों पर एक नजर डालें तो इस क्षेत्र का किस्मत नहीं बदल सका है। कुछ सुधार कार्य हुए हैं लेकिन वे सब जनता को संतुष्ट नहीं कर सके हैं। तकनीकी शिक्षण संस्थान की मांग लगातार बनी हुई है, शहर की सूरत नहीं बदल सकी है, जल निकासी की समस्या अहम मुद्दा है। आज के अब तक विधायक सेगमेंट में बस इतना ही। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। धन्यवाद।